फैशन सर, जैसे बॉलीवुड में सर दो टू बयान चल रहे हैं, जो अभी मसला चल रहा है वही अटैक का पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, तो सर जैसे हमने सुना कि नाना पाटेकर सर ने जी ने प्रमोट किया, तो वहीं पर ओम पुरी जी ने इसका विरोध किया, तो आपका क्या टेक है ये जो मसला इतने दिन से चल रहा है और बॉलीवुड में सर अलग अलग बयान अलग अलग एक्टर्स के हैं, तो ये कब खत्म होगा? आप लोगों का मैं टेक जानना चाहूँगी इसमें। I would expect one answer from you as a journalist, and that's why I asked. Please, sir. That's why I asked in the last. Please. सबसे पहले जब भी देश की बात आती है, इंडिया फर्स्ट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आई थिंक पूरी अटैक के बाद जो भी रिस्पांस हमारी आर्मी ने और माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ मैं भी पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। ग्रेट 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 रिस्पॉन्स, और ऐसा ही होना चाहिए। जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड सम टाइम एट द राइट वे, आई थिंक दिस इज द करेक्ट वे टू रिस्पॉन्ड। जहाँ तक दूसरी बात आती है, वी आर अमेजिंग कंट्री, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हर एक इंसान को अपना मत रखने के लिए उसका अधिकार है, उसका अधिकार है, वो जो भी सोचे, दैट्स हिज राइट। तीसरी बात कि अगर ये सोचा जाता है, इट्स अ रिस्पॉन्स, राइट? गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्स कि हमको अटैक करना चाहिए, विच इज ग्रेट, वी आर सपोर्टेड, वी आर सपोर्टेड। अगर कल जो भी रिलेशनशिप्स है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान फिल्म हो या ट्रेड हो, अगर वो यूनिलैटरली डिसाइड करे कि ये सारी चीज़ें काटने से और प्रेशर बन सकता है टू सॉल्व दिस इशू, और इतना प्रेशर डालने के बाद इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है, ऑफ कोर्स वी विल सपोर्ट एंड वी विल सपोर्ट, एंड वी आर सिटीजंस, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो, एंड जैसे साजिद ने कहा, इंडिया फर्स्ट एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज।